इट्स रेस्टिंग टाइम मतलब आज माय नेम इज पूनम तरण यो वॉचिंग रेसल खबरात हम बात करने वाली है WWE की फोर्थ वेमेंस ग्रैंड स्लैम चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के बारे में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। शार्लेट फ्लेयर का जन्म 5 अप्रैल 1985 को नॉर्थ कोरिया US में हुआ। शार्लेट फ्लेयर का रियल नेम एसले फ्लेयर शार्लेट है। शार्लेट फ्लेयर की माँ का नाम एलिजाबेथ और शार्लेट फ्लेयर के पिता का नाम रिक फ्लेयर है जो कि WWE के बहुत बड़े लेजेंड है। शार्लेट फ्लेयर सेकंड जनरेशन की प्रोफेशनल रेसलर है। शार्लेट फ्लेयर प्रोफेशनल रेसलर के साथ साथ ऑथर और एक्टर भी है। शार्लेट फ्लेयर फिलहाल WWE के साथ साइंड है और वो रेड ब्रांड पर परफॉर्म करती है। शार्लेट फ्लेयर की अर्ली लाइफ। शार्लेट फ्लेयर की एक बड़ी सौतेली बहन मेगन और एक बड़ा सौतेला भाई डेविड है, जबकि उसके छोटे भाई रेड की 29 मार्च 2013 को मृत्यु हो गई। शार्लेट फ्लेयर ने प्रोविडेंस हाई स्कूल में अपने समय के दौरान वॉलीबॉल के लिए 2 NCHSA 4 स्टेट चैंपियनशिप जीती और 2004-05 में टीम की कप्तान और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्लेयर भी रही। रेसलर से पहले शार्लेट फ्लेयर ट्रेनर थी। प्रोफेशनल रेसलिंग करियर 2000 में शार्लेट फ्लेयर ने 14 साल की उम्र में प्रोफेशनल रेसलिंग में अपनी पहली अपीयरेंस दर्ज की। विंस रूसो और उसके सौतेले भाई डेविड के साथ अपने झगड़े के दौरान विश्व चैंपियनशिप कुश्ती WCW में एसले फ्लेयर के रूप में अपने पिता के साथ दिखाई दी। उन्होंने रिंग नेम शार्लेट फ्लेयर से 17 जुलाई 2013 को NXT के एक एपिसोड में अपना पहला टेलीविजन एंकल मैच किया, जहां उसने बेली को हराया। 2013 के अंत में शार्लेट फ्लेयर ने बेली के साथ एक टैग टीम बनाई और दोनों ने NXT के 4 सितंबर के एपिसोड में अक्साना और अलिशिया फॉक्स को हराया। NXT के 10 अक्टूबर के एपिसोड में बेली ने शार्लेट फ्लेयर के साथ सेंटिना ग्रेट के खिलाफ मैच जीता, लेकिन मैच के दौरान द BFF ब्यूटीफुल फियर्स फीमेल साशा बैंक और समरे रिंग में आ गई और बेली को मनाने की कोशिश की कि उनके साथ शामिल हो जाएं। NXT के 13 नवंबर के एपिसोड में शार्लेट ने बेली पर हमला किया और BFF में शामिल हो गई। एक कानूनी चोट के कारण 2 महीने की अनुपस्थिति के बाद शार्लेट ने 22 जनवरी 2014 को NXT के एपिसोड में लौट आई और राय और बैंक्स के साथ उनके मैचों में शामिल होने लगी। फरवरी में शार्लेट ने रेनी यंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान NXT वुमेन्स चैंपियन पेज का सामना किया और उन्हें चुनौती दी। रेसलमेनिया 30 में शार्लेट फ्लेयर साशा बैंक और अलेक्सा ब्लिस के साथ ट्रिपल एच के एंट्रेंस में शामिल थी। शार्लेट और पेज के बीच झगड़ा NXT के 24 अप्रैल के एपिसोड में समाप्त हुआ, जब शार्लेट और बैंक्स ने एम्मा और पेज को हराया। मई की शुरुआत में शार्लेट ने NXT वुमेन्स चैंपियन के लिए 8 वुमेन्स टूर्नामेंट में भाग लिया और पहले दौर में एम्मा को और सेमीफाइनल में अलेक्सा ब्लिस को हराकर और 29 मई 2014 को टेकओवर के फाइनल में नतालिया को हराकर अपने करियर की पहली NXT वुमेन्स चैंपियनशिप जीती। NXT के 24 जुलाई के एपिसोड में शार्लेट ने समरे के खिलाफ NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड किया और इसके बाद शार्लेट ने 11 सितंबर को टेकओवर के फेटल फोर वे मैच में बेली के खिलाफ रिटेन कर लिया, जिसके बाद उन्होंने बैंक्स को बेली पर हमला करने से भी रोक दिया। शार्लेट ने 8 सितंबर को रो के स्लैमी अवार्ड में WWE मेन रोस्टर में अपनी पहली अपीयरेंस की, जहां वह एक नॉन टाइटल मैच में नतालिया से हार गई। शार्लेट फ्लेयर ने बैंक्स के खिलाफ NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को 11 दिसंबर को टेकओवर में रिटेन किया। 11 फरवरी 2015 को टेकओवर में शार्लेट फ्लेयर फेटल फोर वे मैच में बैंक्स के हाथों चैंपियनशिप हार जाती है, जिसमें बेली और बेकी लिंच भी शामिल थी, जिसने 258 दिनों में अपने शासन को समाप्त कर दिया। शार्लेट फ्लेयर बैंक्स के खिलाफ NXT के 4 मार्च के एपिसोड में हुए एक रीमैच में चैंपियन हासिल करने में विफल रही। टेकओवर में 20 मई को अनस्टॉपेबल शार्लेट फ्लेयर ने बेली के साथ मिलकर एम्मा और डाना ब्रूक को हराया। NXT के 8 जुलाई के एपिसोड में एक बार फिर एम्मा और डाना ब्रूक को हराया, लेकिन इस बार शार्लेट फ्लेयर की साथी साशा बैंक थी। मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर ने बैंक्स को NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। अगले हफ्ते NXT के 15 जुलाई के एपिसोड में चैंपियनशिप का मैच था, जिसमें बैंक्स ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया और उसके बाद दोनों
ने एक दूसरे को गले लगाया। गाइज आज का वीडियो बस इतना था, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाई।